विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। तो क्या देवराज इंद्र शनि देव की दृष्टि से छिपने का विचार कर रहे थे? किंतु ये कैसे संभव हो सकता था? फिर क्या हुआ लंकेश जी? क्या वो अपनी इस योजना में सफल हुए? इतना जल ग्रहण कर लिया है दशानन ने, किंतु फिर भी मेरी मुख्य योजना सफल ही नहीं हो रही है। कदाचित मुझे शीघ्र कोई अन्य युक्ति भी सोचनी होगी। यहाँ मरुभूमि में वायु का प्रवाह धूल को गतिमान कर रहा है। समझ गया। लाइए लंकेश, दीजिए मुझे। आपने अभी क्या प्रश्न किया था गौरी पुत्र? नहीं, इंद्रदेव क्या वो देवराज इंद्र दृढ़ निश्चय ले चुके थे कि वो शनि देव को छल कर ही रहेंगे, और उधर शनि देव देवराज इंद्र पर अपनी दृष्टि डालने के लिए अपने निर्णय पर अड़िग थे। सावधान देवराज इंद्र, स्वर्ग के निकट पहुंच चुका हूं मैं, और मेरी दृष्टि के लक्ष्य आप हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी, शनिदेव यहां पहुंचने ही वाले हैं। ये तो शनिदेव की दृष्टि की परछाई है, अर्थात वो मेरे अत्यंत निकट है। काक अर्थात शनिदेव के वाहन का स्वर, कहीं वो यहां पहुंच तो नहीं गए? मुझे शीघ्रता करनी होगी, मुझे अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी जिससे मैं उन्हें भ्रमित कर सकूं। शनिदेव, शनिदेव, आपकी इस दृष्टि को अब यहीं रुकना होगा, क्योंकि अब मैं जहां प्रवेश करने वाला हूं वहां स्वयं मेरी प्रतिछाया को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो आपकी इस दृष्टि की परछाई वहां तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। देखिए, सुरक्षित हो रहा हूं मैं आपकी इस दृष्टि की परछाई से। अब मैं अपने इस गुप्त कक्ष में
सर्वथा सुरक्षित हो। ये सर्वथा अनुचित है। देवराज इंद्र, आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है, इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। इंद्र स्वयं को शनि देव से सुरक्षित करने में सफल हो ही गए। नहीं शिव नंदन, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि शनि देव की दृष्टि से कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि जिस पर उनकी दृष्टि पड़नी होती है, चाहे वो किसी भी सुरक्षित स्थान पर स्थित हो जाए, वह स्वयं अपने पांव पर चलकर शनि देव के समक्ष पहुँच ही जाता है। वो स्वयं पहुँच जाता है उनके समक्ष, अर्थात इंद्रदेव जिन्होंने स्वयं को छिपाने के इतने प्रयास किए, वो भी शनि देव के समक्ष आ गए। आह, कितनी अद्भुत शांति है यहाँ। अब मेरे इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शनि देव तो क्या, उनकी कुदृष्टि भी नहीं। मुझे अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। देवराज इंद्र, शीघ्र आपको मेरे समकक्ष आना ही होगा। आप कहीं भी क्यों न छुपे हो, आपका भाग्य मेरी दृष्टि के समकक्ष आपको ले ही आएगा। देव के काग यहां प्रवेश तो नहीं कर गए। यहां तो सब कुशल है। कदाचित यह मेरा भय है जो भ्रम का रूप ले रहा है। यहां तो कुछ भी नहीं है। यह अवश्य मेरा भ्रम ही था। भ्रम। ये बार बार इस कर्कश काक स्वर का स्मरण क्यों हो रहा है मुझे? कहीं शनिदेव के काग यहां प्रवेश तो नहीं कर गए? और यदि यहां प्रवेश किया भी है तो वो छिपे कहां है? हाँ,
मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। नहीं हूं मैं सुरक्षित, मुझे कुछ करना होगा। यहां मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। शनिदेव, आपने उचित कहा था लंकेश। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय आ जाता है वो ना चाहते हुए भी उनके समक्ष आ ही जाता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो उससे भयभीत होकर छिपने के स्थान पर संयम रख उस समय का सामना करने का साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि जो बुरे समय में धीरज खो बैठता है वो स्वयं अपने अनिष्ट के निकट पहुंच जाता है। वाह गौरी नंदन, आप तो कथा के प्रत्येक चरण से कोई न कोई नवीन सीख प्राप्त कर ही रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय तो आपको ही जाता है लंकेश, क्योंकि आप जैसे महाविद्वान से ये कथाएं सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है मुझे। ये तो सर्वथा उचित कह रहे हैं आप। यहाँ वायु का वेग अचानक इतना प्रचंड कैसे हो रहा है? प्रतीत होता है यहाँ धूल का भवंडर उत्पन्न होने वाला है। तो क्या इस बवंडर को देखते हुए कुछ समय के लिए हमारे यहाँ रुकना उचित नहीं होगा लंकेशी? नहीं, ऐसा कोई बवंडर नहीं जो लंकेश रावण को रोक सके। और वैसे भी साधारण बवंडर का क्या भय जो कुछ ही समय में शांत हो जाएगा। वास्तविक बवंडर तो शनि देव की दृष्टि देवराज इंद्र पर आया था, जो उनके सभी संकेतों को नकारते रहे और जो होने वाला था उसे कोई नहीं टाल सकता था। घुटनों में ऐसी पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। अन्य सभी देवता अपने गुरु अर्थात मेरे सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु इंद्रदेव ये कैसी घृष्टता कर रहे हैं? आपका स्वागत है, आइए प्रस्थान कीजिए। गुरु के आगमन पर गुरु को सम्मान देने हेतु अपने स्थान से उठकर अपनी शिष्य होने की मर्यादा निभाने में असमर्थ है आप देवराज, तो फिर मुझे गुरु कहकर पुकारने का क्या अर्थ है देवराज? नहीं नहीं देव गुरु, वो मैं क्या आप भूल गए कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है, अथवा ये भूल गए कि मैं देव गुरु आपका भी गुरु हूँ? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं भूला हूँ।
ना मैं आपका स्थान भूला हूं और ना ही आपका सम्मान, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरे घुटनों में अपार पीड़ा हो रही है, जिस कारण मैं उठने में असमर्थ हूं। बस देवराज, सर्वप्रथम आपने मेरा अपमान किया, फिर अपनी भूल को नकारने हेतु ऐसा तुच्छ कारण का उल्लेख किया जो कदापि मान्य नहीं हो सकता। धिक्कार है मुझे कि मेरे आप जैसे शिष्य हैं। धिक्कार है इस सभा को जहां एक देव गुरु का अपमान हुआ। धिक्कार है आपको जो आप इस दुखद अनुचित घटना के कारण बने। बात गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, देवराज इंद्र। और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यदि मुझसे कोई भूल होती है तो उसे सुधारने का अधिकार आपको प्राप्त है, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। ये सर्वथा अनुचित। आप मेरा विश्वास करने के स्थान पर व्यर्थ में ही आवेशित हो रहे हैं। क्रोधित और उत्तेजित तो आप हो रहे हैं देवराज, आपको तो अपनी भूल का आभास तक नहीं प्रतीत होता है। आपको गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। और अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। नहीं देवगुरु, नहीं देवगुरु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? अपने क्रोध को शांत कीजिए गुरुदेव, हमारा परित्याग करने का अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। रुक जाइए, रुक जाइए। देवगण, मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर इन्हें स्थिर रहने दीजिए। यदि इन्हें हमारा गुरु होना स्वीकार नहीं है तो हमें भी अपने गुरु के रूप में किसी अन्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। गुरुदेव, इंद्रदेव के वचनों को अन्यथा मत लीजिए, रुक जाइए। हाँ गुरुदेव, रुक जाइए। ये कैसा अनर्थ है? शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव में आते ही इंद्रदेव से बड़ी बड़ी भूल होने लगी थी। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो शनिदेव की दृष्टि से कैसे सामना करता है। जो मनुष्य स्वयं को सुधार लेते हैं उन पर शनिदेव की दृष्टि का कम प्रभाव पड़ता है। जो निरंतर भूल करते हैं उन पर अनेकों कष्टों की वर्षा होती है, और ऐसा ही होने वाला था इंद्रदेव के साथ, क्योंकि एक तरफ देव गुरु उनका साथ छोड़ गए और वहीं दूसरी ओर असुर राज विध्वंसक को गुरु असुर शुक्राचार्य का साथ प्राप्त हो गया। असुर गुरुदेव, अत्यंत उचित समय में तुम्हारा आगमन हुआ है विध्वंसक। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का सर्वोत्तम समय है ये, क्योंकि गुरु विहीन हो चुके देवगण उचित दिशा निर्देश के अभाव में अवश्य भूल करेंगे।
मुझे ज्ञात है तुम अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्रों की शक्ति भी सोखने में और उस शक्ति को स्वयं में विलय कर अत्यधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो। परंतु युद्ध केवल शक्ति से नहीं युक्ति से लड़ा जाता है। तुम्हें युक्ति से लड़ना होगा। शत्रु को एक दूसरे से विलग करने के रणनीति के प्रयोग कर अकेले पड़े उसके योद्धाओं पर आक्रमण करना होगा। इससे तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं इस युद्ध के लिए सर्वथा तैयार हूं गुरुदेव। देवराज इंद्र ने तो अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, किंतु दूसरी ओर असुरों ने अपने गुरु के दिए आदेश का पालन किया। सभी दिशाओं से स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवताओं को एक दूसरे से विलग कर उन्होंने उनको अकेला किया और उसके उपरांत असुर देवता पर आक्रमण करने जा रहे थे। उचित है कि समस्त देवता अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे जूर सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है। असुरों पर आक्रमण करने में असमर्थ क्यों रहे हैं? Thank you.
इन देवताओं के दिव्यस्त्रों से प्राप्त हुई इस तनिक सी शक्ति में कितना प्रभाव है, तो जब इनके समस्त अस्त्र मेरे पास होंगे तो उसका कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा, तब तो मैं उनकी समस्त शक्ति से संपन्न होके सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। अर्थात ये दुष्ट अपनी शत्रु की शक्तियों को सोख लेता है, तभी तो ये हमारी ही शक्तियों से स्वर्गलोक के द्वार को ध्वस्त करने में सफल हुआ है। स्वर्गलोक पर अब हमारा आधिपत्य है, अब शीघ्र इन देवताओं से उनके अस्त्र छीन कर उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। दशानंद जी, आपको पुनः प्यास लगी होगी ना, किंतु मुझे बताइए कि फिर क्या हुआ, क्या वो शक्तिशाली असुर देवताओं के अस्त्र छीन सके? जल ग्रहण कीजिए लंकेश जी। चतुर गणेशा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है लंकेश कि बलशाली असुर विध्वंसक के समक्ष तो देवता अपने घुटने टेकने पर विवश हो गए होंगे, और असुर राज ने देवताओं से अस्त्र प्राप्त कर ही लिए होंगे। नहीं, इसके पूर्व वो असुर देवताओं तक पहुंच पाते, देवराज इंद्र ने उनकी योजना को प्राप्त कर आकाश की ओर बढ़कर वहां से निकल गए। साथ ही उन्होंने अन्य देवताओं को भी अपने साथ आने को कहा। पीछा करो इन देवताओं का, जाने मत दो इनको, मुझे अस्त्र चाहिए इनके। आपने हमें रणभूमि से हटने का आदेश क्यों दिया देवराज? क्या है ये आपकी योजना? अग्निदेव, वो ये अवश्य शनिदेव की भयंकर छाया है जो निरंतर मेरा पीछा कर रही है। इंद्रदेव, अग्निदेव के प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम उन असुरों से युद्ध करने के स्थान पर रणभूमि से पलायन क्यों कर गए, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगण, आप सभी ने स्वयं देखा किस प्रकार वो दुष्ट असुर विध्वंसक हमारे अस्त्रों से जुड़कर हमारी शक्ति को सोखने में सक्षम हो चुका था। उसे भली भांति ज्ञात हो चुका है कि वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन सकता है, इसलिए उसका हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे लिए क्या मार्ग शेष है इंद्रदेव? हाँ वरुण देव, हमारे अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, क्षीर सागर में श्री हरि नारायण के निकट हमारे शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। प्रभु महादेव के पास भी सुरक्षित रह सकेंगे हमारे ये अस्त्र। ऋषि धदीजी, वो ही हमें हमारे अस्त्रों को छिपाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में हमारे दिव्य अस्त्र अब ऋषि धदीजी के पास ही सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए देवगण। ऋषि दधीची, अब आपको ज्ञात होगा कि आप अपनी चुनौती पूर्ण करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। स्मरण रखिएगा ऋषिवर, अब आपको अपने संयम का परिचय देना होगा। निकट भविष्य में जो कठिन परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शनि देव ने आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव किया है, फिर भी स्वामी आप ऐसे आनंदित प्रतीत हो रहे हैं जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं। अच्छा।
चिंता तो आपको भी नहीं करनी चाहिए देवी, क्योंकि जिस गृह में स्वयं प्रभु महादेव का आगमन होने वाला है उस गृह की स्वामिनी को चिंता करना शोभा नहीं देता। और रही बात शनिदेव की दृष्टि की, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं और मैं अपना कर्म करता रहूंगा, मुझे भला किस बात का भय। अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है। ये कैसी परिस्थिति बन रही थी लंकेश? पूर्व में ऋषि दधीची ने शनि देव को चुनौती दी और अब इंद्रदेव, जिन पर शनि देव की दृष्टि पड़ने वाली थी, वे ऋषि दधीची के पास स्वयं ही आ रहे थे। ये किस प्रकार का समीकरण बनने जा रहा था इनके मध्य लंकेश? गुरु विहीन होने का अर्थ है उस संचित ज्ञान पर काई जम जाना, जिस पर व्यक्ति खड़ा तो रह सकता है किंतु आगे बढ़ नहीं सकता।